टीकमगढ़ में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार इनके इलाज के दौरान लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। खड़गपुर थाना क्षेत्र के भेलसी गांव में यशोदा रैक पर अपना इलाज करने के लिए गांव के डॉक्टर के घर पहुंची। जहां डॉक्टर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी ने ही उसका उपचार किया और इंजेक्शन लगाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गंभीर बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या हो गया आप यहाँ हॉस्पिटल में, क्या हो गया है, कैसी घटना घटी बताएं? यहाँ दिखाने के लिए। कहाँ पर? कहाँ आई देखो? क्या हो गया, आपकी कौन थी वो? सास। तो क्या हो गया बता दो। वो दिखवाने आई तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। किसने? क्या नाम है? जानसी के घर वाली ने लगाया इंजेक्शन। तो बोलने लगी यहाँ लगाया नस में, तो बोलने लगी कि मेरे को लग रहा निकाल दो। तो नहीं, वो लगाते ही गई और लगाते बस फड़फड़ा तो बस गिर गई उस पर टेबल पर। आप एयरपोर्ट पर दी आप? हाँ मैं तो हूँ, मेरे में पकड़ते हुए क्या हो गया निकाल दो। मैं बोल रही करे नहीं, वो तो लगेगा ही ऐसा, वो बोले नहीं ऐसा थोड़ी लगेगा, वो तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। मतलब डॉक्टर की मैसेज दी है? हाँ, वो बोले नहीं वो तो लगता ही है। वो बोली नहीं ऐसा कैसा लगता है, वो तो बहुत ज़्यादा तेज लग रहा। क्या नाम लिखती हैं आप? आपका क्या नाम है? ममता। यहाँ के डॉक्टर नहीं था, महिला नहीं लगाया, मुझे ये जो महिला हैं जसोदा रैकवार, जिनकी मृत्यु हुई है, जसोदा रैकवार जी को उनके परिजनों ने जो बताया, हमको रिपोर्ट कराई है, उसके अनुसार उसको सर्दी जुकाम और खुजली टाइप की थी। तो वो दिखाने के लिए धर्मेंद्र श्रीवास जी के क्लिनिक पर भेलसी में आए थे करीब 10:30 बजे के लगभग। जब क्लिनिक पर आए तो उन्होंने डॉक्टर को, डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले। धर्मेंद्र श्रीवास, उनकी पत्नी बन्ना श्रीवास के द्वारा इंजेक्शन लगाया गया उसको। इंजेक्शन लगने के बाद उनका कहना है, जो फरियादी हैं पीड़ित हैं उनका कहना है कि उनकी जो सास थी उनको चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई, टेबल पर डली रह गई। फिर इन और लोगों को बुलाया, सब ने देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है, पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। सर, इनके पास जो डॉक्टर हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह है, क्या है, चांसी है, कौन है? अब ये तो अभी जांच में जब अपन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब बता पाएंगे। सर, हैं रहने वाले कहाँ के, कौन है? कलकत्ता के बताते हैं रहने वाले, इनका पूरा वेरीफाई, सब आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ दिया जाएगा। पंचनामा पे कार्रवाई की गई कि कोई धाराओं पे? अभी केवल मर्ग में जाँच में किया गया है कार्रवाई, जो भी होती है अभी जाकर और बयान बयान लेके जैसा भी उचित होगा पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, हुआ है, उस पर भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है मेरे द्वारा, जिसने किया था वो किया गया है, अपराध 304 में किया है। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।